नमस्कार। आज नवरात्रि का सातवां दिन है और इस सातवें दिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कालरात्रि दुर्गा के नौ रूपों में से ये सातवां स्वरूप है। नवरात्रि के त्योहार के सातवें दिन हम देवी कालरात्रि की पूजा और आराधना करते हैं। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी कालरात्रि के व्यापक रूप हैं: काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, नृत्ययी, चामुंडा और चंडी। दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। कालरात्रि नौ दुर्गा में से एक है। माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि मानी जाती है। कालरात्रि माता का रंग घने अंधकार की तरह काला है। नाम से ही जाहिर है कि माता का रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली कालरात्रि है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। इस देवी के तीन नेत्र हैं। यह तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती हैं। दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले भुजा में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल देने वाली माँ है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य के भागी बनते हैं। इनकी पूजा व अर्चना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है। ओम देवी कालरात्रे नमः। सच्चाई के रास्ते में चलने में फायदा है, क्योंकि इस रास्ते में भीड़ बहुत कम मिलती है। नमस्कार, हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इस टीचर स्वयं में। आइए आज के वीडियो में हम काउल नेक टॉप का कटिंग देखेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने आसान तरीके से मैं काउल नेक टॉप का कटिंग बताने वाली हूँ। आइए शुरू करते हैं काउल नेक टॉप का कटिंग। आइए आज के वीडियो में हम काउल नेक टॉप का कटिंग देखेंगे। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है। कभी भी जब आप काउल नेक टॉप का कटिंग करें तो फैब्रिक जो है सॉफ्ट लेना चाहिए आपको, तभी इसका अच्छे से ग्रेस सिलने के बाद आएगा। मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि इस काउल नेक टॉप के लिए कितना हमें फैब्रिक लेना होगा। कटिंग से पहले हम मेजरमेंट जान लेते हैं। ये लूजी के साथ मैंने यहाँ पर मेजरमेंट नोट किया हुआ है। लेंथ तैयार रखेंगे 30 इंच, शोल्डर है 15 इंच, इसमें जो हम चेस्ट तैयार रखेंगे टोटल राउंड है 42 इंच, वेस्ट लेंथ है 15 इंच, वेस्ट का राउंड है 36 इंच, हिप राउंड है 42 इंच, आर्म होल लेंथ कटिंग करेंगे 7 इंच पर, आर्म होल का राउंड है 16 इंच। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कैसे काउल नेक टॉप का कटिंग करेंगे ये जानते हैं। हिप राउंड जितना भी आपका है उसका 1/4 करके हमें 2 इंच लूजिंग देना है घेरे में। तो इस तरीके से हम कपड़े को नाप लेंगे। मेरे कपड़े का पन्हा जो है वो 45 इंच का है, देख सकते हैं। तो 2 इंच हम हिप राउंड में 1/4 करेंगे हिप का टोटल राउंड का, और उसमें 2 इंच लूजिंग देंगे, प्लस 1 इंच जो है सिलाई मार्जिन चाहिए। तो हम 14 इंच पे 1 से 1.5 इंच का जितना आप मार्जिन लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं 13.5 का चौड़ाई का ये हमने मार्किंग किया हुआ है। जितना आपको लेंथ चाहिए वहां तक उतना मार्क कर लीजिए। और इस तरीके से हम कपड़े को डबल कर देते हैं। उल्टा हिस्सा हमें अंदर रखना है और कपड़े का फोल्ड हिस्सा हमें अपने सामने रखना है।
जितना हमने चाहिए लूजिंग के बाद और सिलाई मार्जिन लेते हुए उतना हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। आपका मेजरमेंट चाहे जो भी हो आप भी ऐसे ही फोल्ड कीजिएगा ताकि ये साइड का कपड़ा हमारा सेफ बचे। अगर सीधे आप कपड़े को डबल करेंगे तो हमारा कपड़े का बर्बादी इसमें ज्यादा होता है। ये साइड से जो बचेगा कपड़ा उसमें हम अपना स्लीव निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बैक का पार्ट काटेंगे तो हम लेंथ लगाते हैं सबसे पहले ऊपर से हाफ इंच, जो हम शोल्डर का सिलाई लेते हैं उसका मार्किंग करेंगे। अगर आपका कपड़ा तिरछा हो तो पहले सीधा कर लीजिए, जहां हमने हाफ इंच लिया शोल्डर सिलाई को वहां से हम अपना तैयार लेंथ नापेंगे 30 इंच। और नीचे जो घेरा फोल्ड करेंगे उसके लिए हम 1 से 1.5 इंच का मार्जिन यहां पर भी हम ले लेंगे। दूसरे साइड भी हम सेम मार्किंग लगा लेंगे। लाइन को हम सीधा कर लेते हैं, ऊपर हम शोल्डर लगाएंगे। शोल्डर है 15 इंच तो उसका हम 1/2 करेंगे और उसमें 1/4 इंच या 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। आप कितना लेते हो उसके हिसाब से रखिए। 0.75 यानी 0.25 इंच हम यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे। जहां हमने शोल्डर डाउन किया वहां से हम 7 इंच अपने आर्म होल का लेंथ लगा लेते हैं। जितना हमारा शोल्डर है उतना ही हम यहाँ जहां हमने ये आर्म होल का लेंथ लिया वहां पर भी ले लेंगे। आर्म होल का लेंथ जहां पर आया है वहां हम अपने चेस्ट का मार्किंग करेंगे। टोटल चेस्ट राउंड जो है 42 इंच है तो उसका हम 1/4 करेंगे। ध्यान रहे हमने यहाँ पर लूजिंग इसमें ऐड किया हुआ है। इस तरीके से लाइन को आगे बढ़ाएंगे और ये लाइन जो है हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ ये कॉर्नर जहां से बन रहा है वहां से 1.5 इंच तरीके से क्रॉस में लेंगे और फ्रेंच कर्व की सहायता से हम अपने बैक आर्म होल का मार्किंग इस तरीके से कर देंगे। नेक ब्रॉड मैं यहां पर ले रही हूं 3 इंच और जहां हमने शोल्डर डाउन किया वहां से इस तरीके से क्रॉस में इस लाइन को मिला देंगे। बैक में मैं नेक का कटिंग करूंगी 2 इंच और जितना ब्रॉड है यहां पर भी लेके हम इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और बैक में हम राउंड नेक इस तरीके से मार्क कर लेंगे। शोल्डर से इस तरीके से टेप को रखेंगे और अपने वेस्ट लाइन का मार्किंग करेंगे। 15 इंच पे है, हमने 1/2 इंच ऊपर छोड़ दिया है शोल्डर ज्वाइंट को। उसके बाद हमारा तैयार जो है वेस्ट का लेंथ 15 इंच है। यहां पर हम अपने वेस्ट का राउंड लगाएंगे। वेस्ट का राउंड है 36 इंच, उसका हम 1/4 लेंगे। ये हमने लूजिंग के बाद लिया हुआ है मेजरमेंट। और नीचे जो हमें घेरा रखना है, जितना हमारा हिप का राउंड है, हिप का राउंड 42 इंच है, उसका हम 1/4 करेंगे तो वो होता है 10.5। 10.5 में हम 2 इंच लूजिंग देंगे अपने घेरे के पास। तो ये होता है 12.5। यहां हमने 12.5 पे मार्क किया और 1 इंच या 1.5 इंच आप सिलाई मार्जिन ले लीजिए। वेस्ट लेंथ के पास भी हम सिलाई मार्जिन का मार्क करते हैं, चेस्ट के पास भी कर लेंगे और इस तरीके से फिटिंग का लाइन फिटिंग में और मार्जिन का लाइन मार्जिन से हम एक दूसरे से नीचे घेर तक मिला देंगे। चूंकि यहां से हमने तिरछा लिया है तो यहां पर ज्यादा हो जाएगा हमारा लंबाई। टॉप पहनने के बाद ये कोना जो है लटकेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। उसके लिए हम जितना लंबाई है वहां से हम 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरीके से हल्की सी हम साइड में
गोलाई दे देते हैं ताकि साइड का शेप अच्छा है। ये हमारा बैक का मार्किंग हो गया है, अब हम इसे कट कर लेते हैं। हमने बैक पार्ट कट कर लिया है, अब हम इसे साइड करते हैं। ये जो साइड का ये कपड़ा बचा है इसे हम बराबर कर लेंगे। इसी कपड़े में हम अपना स्लीव निकाल लेंगे और बचे हुए कपड़े को जैसे हम पैजामी के लिए समोसा फोल्ड करते हैं, इस तरीके से हमने अपने कपड़े को पूरा खोला और इस तरीके से समोसा फोल्ड में हम अपने कपड़े को करेंगे। ये देख सकते हैं, एक कॉर्नर को हमने पकड़ा एक साइड का और इस तरीके से हम इसको डबल कर देंगे क्योंकि सिर्फ हमें इसमें फ्रंट पार्ट ही निकालना है। काउल नेक टॉप कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को फ्रंट साइड को इसी तरीके से फोल्ड करना होता है। फोल्ड हिस्सा हमने अपने देख सकते हैं अपोजिट में रखा है। बैक पार्ट लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से नीचे जो घेरे का पार्ट है वो हम अपने कपड़े के डबल साइड पे इस तरीके से रखना है। ये है फोल्ड है कपड़ा जो हमने समोसा फोल्ड किया है, घेरे के पास से तो इस तरीके से हम बिल्कुल मिला के रखेंगे और ऊपर का जो हिस्सा है जो शोल्डर का साइड है इतना हम तिरछा करेंगे कि यहां पर जहां हमारा नेक शोल्डर आता है वहां पर ये फोल्ड हिस्से से समोसे के कपड़े को 7 इंच रह जाना चाहिए, 6.5 या 7 इंच इतना हमने इसको इस तरीके से तिरछे में बिछाना है। और ध्यान रहे नीचे का हिस्सा जो घेरे का हिस्सा है बिल्कुल फोल्ड के पास इस तरीके से मिला हुआ होना चाहिए। और यहां से शोल्डर के सामने हमें 7 इंच रखना है। मार्क कर लीजिए जहां आपका ये फोल्ड आ रहा है वहां से मार्क कीजिए और फोल्ड हिस्से से हमें 7 इंच छोड़ के ही इसको बैक साइड को सेट करना है अपने कपड़े पे। और जहां ये हमारा शोल्डर आ रहा है वहां से इस तरीके से हम सीधी मार्किंग करेंगे। यहाँ हमारे शोल्डर का मार्किंग है, ये देख सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से जो हमने 7 इंच यहाँ फोल्ड हिस्से से छोड़ा है इस तरीके से जहां तक हमारे शोल्डर का नाप आ रहा है इस तरीके से हम पूरा सीधा कर देंगे इस लाइन को। ये हमने जहां से नेक के लिए ये हमारा डबल कपड़ा है यहाँ भी डबल 7 इंच हमने छोड़ा वहां से हमें ये है हमारे बैक साइड का फोल्ड। यहां से इस तरीके से हम जैसे जैसे है बिल्कुल वैसा हम मार्क कर लेंगे। आर्म होल भी बैक के हिसाब से कटिंग करेंगे, बाद में हम फ्रंट साइड का निकालेंगे। साइड से हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसा बैक साइड हमने कटिंग किया है सेम उसी तरीके से हमने साइड से कटिंग कर लेना है। जो भी चेंज है हमें यहीं पर करना है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। इसको हटा लेंगे बैक साइड को और अपने मार्किंग के हिसाब से हमें कट कर लेना है। ध्यान रहे हमें फ्रंट पार्ट में कोई नेक का कटिंग नहीं करना है। ये हमारे फ्रंट का भी कटिंग हो गया है, अब हम इसमें अपना फ्रंट का आर्म होल कट कर लेंगे। तो जितना भी सेंटर रहता है इस तरीके से मार्क करेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ यहां से
इस तरीके से घुमाते हुए और साइड में लाके इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो गया। ये दोनों पार्ट हमारा कट के तैयार है। ये है बैक पार्ट और ये है फ्रंट पार्ट। ये अभी आपको लग रहा है कि फ्रंट पार्ट ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। जब आप इस तरीके से स्टिच कर देंगे बैक के शोल्डर से मिला के, आर्म होल जो है इस तरीके से सेट हो जाएगा। ये दूसरे साइड का आर्म होल शोल्डर स्ट्रिप इस तरीके से मिलाएंगे तो ये आर्म होल सेट हो जाएगा। और जब इसको हम हाफ इंच यानी क्वार्टर क्वार्टर इंच यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके सिल देंगे तो इसका लुक जो है बनने के बाद जब आप पहनेंगे इसे तो इस तरीके से इस ये फ्लेयर बनेगा जो कि बहुत सुंदर लगने वाला है। मिलते हैं बहुत जल्द इसके स्टिचिंग के वीडियो के साथ। और इस टॉप को इस मेजरमेंट के हिसाब से जो हमने टॉप का कटिंग किया है उसके लिए हमें 2 मीटर कपड़े का जरूरत पड़ेगा। अगर आप इसे छोटा बनाना चाहते हैं, छोटे बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं, तो 1.25 से 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। बड़े लोगों के लिए 2 मीटर चाहिए ही चाहिए। मिलते हैं इसके स्टिचिंग के वीडियो के साथ। आप इसमें स्लीव कैसे बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्लीवलेस रखना चाहते हैं तो आर्म होल का लेंथ थोड़ा कम कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर 7 इंच कटिंग किया तो आप 6 इंच या 6.5 इंच का आर्म होल कटिंग करें। चलिए इसके स्टिचिंग के वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम जो भी सामान यूज करते हैं जैसे मशीन, फ्रेंच कर्व, स्केल, निडिल, प्रेशर कोट, थ्रेड, इन सभी का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। आप वहां से बाय कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुँचे हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करें यानी अपनी राय दें। हमारे चैनल के बाकी वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के सभी नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।